हेलो फ्रेंड्स, मितूस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम घर पे बनाएंगे आलू की टेस्टी सैंडविच। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की आलू सैंडविच वीडियो शुरू करते हैं। आलू के टेस्टी सैंडविच बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 7 से 8 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू को मैंने छील कर तैयार करके रखा है। अब एक मैशर से हम आलू को मैश कर लेते हैं। आप ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू को मैंने अच्छे से मैशर से मैश कर लिया। अब हम इसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके डालेंगे। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर डाल देते हैं। 2 हरी मिर्ची को भी बिल्कुल बारीक काट के डालेंगे। 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। घर की चम्मच से ही आज मैं आपको मसालों का अंदाजा बताऊंगी, तो यहाँ मैं आधा चम्मच, जो हमारी घर की चम्मच होती है खाना खाने वाली, उसी से आधा चम्मच नमक डाल देंगे। आधा चम्मच ही लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच चाट मसाला। आखिरी में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी आलू की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है। बस जल्दी से आलू के सैंडविच बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं ब्रेड पीस। अब हम चम्मच की मदद से ही आलू के पेस्ट को इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। आपको जितनी स्टफिंग पसंद हो उस हिसाब से आप स्टफिंग कम या ज़्यादा इसमें भर सकते हैं। इसके ऊपर अब हम दूसरी ब्रेड पीस को रख कर अच्छे से दबा लेंगे। इसी तरीके से यहाँ मैं ब्रेड पीसेस को तैयार करके रख लेती हूँ। और हमारा ये ब्रेड का सैंडविच तैयार है। चलिए फटाफट हम इसे सेक लेते हैं। आज मैं इसे देसी घी में सेकने वाली हूँ। आप इसे बटर में भी सेक सकते हैं, ऑयल में भी सेक सकते हैं। हमेशा सैंडविच सेकने से पहले आप देसी घी को हल्का सा मेल्ट कर लें ताकि ब्रेड के ऊपर ये अच्छे से फैल जाए। तो देसी घी मैंने यहाँ मेल्ट कर लिया है फ्रेंड्स, और अब हम ब्रश की हेल्प से ब्रेड के ऊपर देसी घी को अच्छे से लगा लेंगे। एक तरफ मैंने देसी घी लगा लिया है। चलिए फटाफट हम इसे सेकेंगे। तो आज मैं इसे टोस्टर में सेकने वाली हूँ। यहाँ मैं ये टोस्टर यूज कर रही हूँ। आप इसे तवे पर सेक कर भी बना सकते हैं। टोस्टर में ब्रेड को सेकने से पहले हमेशा टोस्टर को ग्रीस कर लें, नहीं तो ब्रेड इस पे चिपक जाता है। अब जिस तरफ हमने घी लगाया था वो हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे और ब्रेड के ऊपर के हिस्से पे भी घी को फैला लेते हैं। अब टोस्टर को बंद कर लेंगे और मीडियम टू लो गैस पर ही हमें इसे सेकना है। तो अब हम इसे पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं। बीच बीच में आप खोलकर भी चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारी ब्रेड ज्यादा तो नहीं सिक गई। ये देखिए, दोनों तरफ से ब्रेड बहुत अच्छे से गोल्डन कलर की हो चुकी है और हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार है। चलिए झटपट हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से झटपट आलू से बना ये टेस्टी सैंडविच आप भी अपने घर पर जरूर बनाइएगा। नाश्ते के टाइम पर या फिर शाम को इवनिंग में ये सैंडविच खाने में बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये सैंडविच, तो आप इन्हें इसी तरीके से तवे पे सेक के भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए हमारे झटपट
आलू के टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरीके से ये क्रिस्पी टेस्टी सैंडविच आप अपने घर पर कब बनाने वाले हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।